हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो शुरू करते हैं आज का एक नया ब्लॉग। तो जैसे आपने देखा था, ये ब्लॉग है यतियंती मॉन्ग के बारे में। तो ये एक टिबेटियन रेस्टोरेंट है जो कि टिबेटियन कल्चर फॉलो करता है एंड उनका फूड सर्व करता है। सो आपको पहले इधर फुटवेयर बाहर निकलना पड़ता है एंड उसके बाद आप अंदर डाइनिंग के लिए जा सकते हैं। यटी एंड दी मॉन्ग मीन्स यटी ये एग्रेशन के लिए रहता है एंड मॉन्ग के पीस के लिए रहता है। तो उसी हिसाब से इनका लोगो भी आप देख सकते हैं। बीच में आपको मॉन्ग दिख रहा है एंड बाहर पीछे आपको यटी। सो काफ़ी अच्छा है, रेस्टोरेंट है, छोटा है पर काफ़ी टेस्ट में काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है एंड इनका सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। सर्विस के लिए तो 10/10 है क्योंकि इनका जो ओनर है, ये है उनके ओनर मिस्टर प्रसाद, ये पार्टनर है और दो पार्टनर है। इनका पूरा इंटरव्यू मैंने लास्ट में कवर किया हुआ है कि यतियंती मॉन्ग कैसे शुरू हुआ, क्या सर्व करता है, क्या इनका कंसेप्ट है एंड क्या इनका विजन है, सब मैंने आगे कवर किया इनका इंटरव्यू में। सो आप देख लीजिएगा इनका इंटरव्यू भी। सो आप देखिए, इनका रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छे टेस्ट से सब चीज़ें मिलेगी। पूरा टिबेटियन क्यूजिन है, कुछ आपको ऐसा ये नहीं मिलेगा, कोई अलग रेस्टोरेंट या कोई अलग मेन्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको लिमिटेड मेन्यू ऑप्शन है, कम है पर काफ़ी अच्छे, आप टेस्ट कर सकते हैं एंड एक बार ज़रूर विजिट करिए। ये मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा आपको, अगर ये आप पुणे में, तो ये रेस्टोरेंट पुणे में लोकेटेड है। इसका जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसका गूगल मैप एंड एवरीथिंग। तो ये था हमारा फर्स्ट डिश जो कि एक समर रोल चिकन था। तो इसमें क्या होता है जनरली कि ये एक बाहर का जो आपका आउटर कवरिंग है वो राइस का रहता है, स्टीम का उसका एक रोटी बनाया जाता है एंड उसके अंदर वेजेस स्टफ होता है एंड चिकन स्टफ होता है। वेजेस जनरली अनबॉइल्ड रहता है, चिकन इज बॉइल्ड एंड एक सॉस सर्व किया जाता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट था, काफ़ी ऑथेंटिक था एंड आप सॉस के साथ खाएंगे तो इट वॉज यमी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये डिश काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आया था पर्सनली। इस डिश में एक अच्छी बात है कि आपको स्टीम मिलता है, सो आप डाइट के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। ये था स्टीम मोमोज एंड जो साइड में था तो वो था चिली चिकन मोमोज, नॉट चिली चिकन, चिली गार्लिक मोमोज। सो चिली गार्लिक मोमोज वॉज क्लासिक, मीन्स उसका टेस्ट वॉज अमेजिंग एंड ये था वेक्टामिस आइस कॉफ़ी। सो ये था चिकन चिली गार्लिक मोमोज, डम्पलिंग जिसे बोला जाता है। काफ़ी स्टफ था ये एंड काफ़ी जूसी था। मैं तो आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप मोमोज यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए। टिबेटियन लैंग्वेज में इसको डम्पलिंग बोला जाता है पर काफ़ी अच्छा था, आप ज़रूर ट्राई करूँ। मेरा रिकमेंड, मेरे को सबसे, जितना भी मैंने डिश यहाँ पे खाया आप आगे देख, मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा। इसमें चिकन का इतना स्टफिंग था, मीन्स ऐसा नहीं कि आपको छोटा मोमो दे दिया स्टफिंग नहीं है, फुल जितना भी मोमोज था पूरा स्टफ था। थोड़ा कॉस्टली था, मैंने बिल आगे शेयर किया, आप देख सकते हैं 280 समथिंग था पर उस प्राइस पॉइंट में ये नॉट बैड एट ऑल क्योंकि इतना स्टफिंग वाला ये था। इतना वेतनामिस आइस कॉफ़ी, तो ये कोल्ड वाला था, मैंने हॉट वाला लिया था, आप देखेंगे आगे। तो इसमें भी इतना मीन्स इतना ऑथेंटिक टेस्ट था इनका कि ये सबको पसंद लगा। हमने एटलीस्ट 3 या 4 ऑर्डर किया था ये आइस कॉफ़ी, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और यहाँ का ये फेमस है वेतनामिस आइस कॉफ़ी। उसके बाद ये जो देखा ये है पैड थाई चिकन, तो इसमें कैसा रहता है, नूडल्स रहता है एंड ये था टुप्पा चिकन करके। सो इसमें इन लोग का जनरली एक रहता है, ग्रेवी रहेगा ऊपर, आपको एग सर्व किया जाएगा, चिकन रहेगा टॉपिंग में एंड नीचे आपको नूडल्स रहेगा एंड आपको चॉपस्टिक से खाना है एंड चॉपस्टिक से खाने का अलग ही मजा है। पहले एक दो बार आपको थोड़ा ये होगा कि आपको नहीं हो रहा है पर 2-3 बार के बाद आपको आराम से आप खा सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं एंड पूरा जितना भी मेन्यू है आपको इसी से खाना है चॉपस्टिक से एंड काफ़ी मजा आता है टू बी फ्रैंक खाने में क्योंकि कुछ अलग एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको खाने में। सो ये था उनका मेन्यू। डिशेस मीन्स आपको पोक में भी सर्व हो गए, चिकन में भी सर्व हो गए, फिश में सर्व हो गए एंड वेज में भी है। सो आप देख सकते हैं रेट काफ़ी रिजनेबल था, कोई ऐसा इशू नहीं। थोड़ा अगर आपको कोई अलग क्यूजिन फॉलो करना है तो आपको थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो ये था चॉकलेट टार्ट, काफ़ी अच्छा था मीन्स ये तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तर 2019 स्टार्ट झालं एप्रिलमध्ये यतियंती मॉन्ग, 3 पार्टनर्स सौरभ बिकी आणि मी प्रसाद, तिघांची आयडिया होती आणि बिकी दार्जिलिंगचा आहे आमच्यामध्ये, तर तो मेन इन्स्पिरेशन होता हे क्विझिन पिक करण्यासाठी। आणि पुण्यामध्ये सरप्राइजिंगली ह्या क्विझिनमध्ये कोणीतरी डेडिकेटेड रेस्टॉरंट नव्हतं केलं तोपर्यंत, सो वी वर द फर्स्ट वन टू फुल फ्लेज टिबेटन रेस्टॉरंट घेऊन येणार आहे पुण्यामध्ये। आणि चांगला रिस्पॉन्स लोकांकडून भेटला कारण की पुण्याचं वेदर वी फील की ह्या क्विझिनसाठी खूप आयडियल कॉम्प्लिमेंट होतं आणि कॉस्मोपॉलिटन क्राउड असल्यामुळे पुण्यामध्ये ती क्विझिन वर्कआउट झाली। स्टार्टिंगला 3 जणांची स्टीम होती विदाउट एनी स्टाफ,
तसं स्टार्ट झालं, याच्यापेक्षा लहान होतं आत्ता जे दिसतं त्याच्यापेक्षा. आणि तिथून मग कस्टमरचे फीडबॅक्स वगैरे रिस्पॉन्स, त्यानंतर पॅन्डेमिकचे थोडेसे हिकअप्स आले. पण लास्ट 2 वर्षाआधी मी मग रिनोव्हेशन करून थोडंसं टीम मोठी केली, तर 3 जणांच्या ह्याच्यात स्टार्ट झालं होतं. आत्ता इकडे स्टाफ स्ट्रेंथ सांगायची झाले तर 3 पार्टनर्स तर आहेतच, प्लस 16 जणांची टीम आहे. हे एक किचन आहे, प्लस याला एक सेंट्रल किचन आहे जिथे सगळं प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल केलं जातं आणि एक्झिक्युशन पार्ट इथे केला जातं. आणि म्हणजे लोकांचं ॲप्रिसिएशन, रिव्ह्यूज, रेटिंग्ज वगैरे खूप चांगलं भेटलेलं आहे. म्हणजे पुण्यातलं वन ऑफ द नोन रेस्टॉरंट आहे रेटिंग्सच्या बाबतीत तुम्ही बघायला गेलात तर. आणि म्हणजे ऑलमोस्ट प्रत्येक कस्टमरला आम्ही परत एकदा सर्व्ह करतो, असं कधीच झालं नाही की वी हॅव सर्व्ह द कस्टमर ओनली वन्स. तर मग ते क्वालिटीकडे आमचा खूप एम्फसिस असतो, क्लिनलीनेस वगैरे गोष्टींना आम्ही खूप इम्पॉर्टन्स देतो. तर थँक्यू बोलता येईल कस्टमरला की म्हणजे हा जो आमचा अटेम्प्ट आहे, जी थॉट प्रोसेस होती की शूज बाहेर काढणं किंवा हे कल्चर रिप्रेझेंट करणं, कारण की आम्हाला वाटत की आम्ही फक्त फूड सर्व्ह करतो, आम्ही हे कल्चर पण रिप्रेझेंट करतो, तर ते सगळं समजून घेतात आणि तो एक एक्सपिरियन्स आम्ही डिलिव्हर करतो असं आम्हाला वाटतं. कारण की आत्ता हे 5वं वर्ष आहे रेस्टॉरंटचं आणि कन्सिस्टंटली ते म्हणजे वरच्या डिरेक्शननेच जात आहे एव्हरी इयर, इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ रेव्हेन्यूज आणि इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. तर मग आम्हाला वाटतं की आम्ही काहीतरी गोष्टी बरोबर करतो आहे आणि वी वॉन्ट टू कीप डुईंग इट इन द सेम मॅनर. तसं थँक्यू.